नहलाए धुलाए नहीं, तेला से मालिश करे नहीं, तो क्या बच्चा जिंदा रहेगा? नहीं। इसी तरह से ये पत्थर था, अब उसे प्राण प्रतिष्ठा किया गया, अब इसका जो पावन पोषण निमित्त पूजा पाठ भोग आदि लगा के हम नहीं करोगे, या वापस पत्थर ही रह जाएगा, जिनको हमने बिठाया वो भी यहाँ से चला जाएगा। इसलिए आप सबका दायित्व समस्त ग्रामवासी और समस्त ग्रामवासियों का, आप पड़ोसी ग्रामवासियों का भी दायित्व बनता है, जिन लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर इस महान कार्य को संपन्न किया है, आगे को भी इसको बनाए रहे। निमित्त कुछ भी बना लो, आपके खुद के जन्म दिवस उस दिन यहाँ भगवान के कंकाभिषेक करा दो, पंचामृत अभिषेक करा दो, सहस्त्र कमल अर्चन करवा दो, अपने बच्चों के जन्म दिवस, अपने पति का जन्म दिवस, अपने माता पिता के जन्म दिवस, ससुराल दिवस, आजकल तो शादी के वर्षगांठ भी मनाने लगे हैं, तो वर्षगांठ के दिवस अवश्य पूजा पाठ यहाँ करना और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करना। प्रासंगिक से याद आ रहा है, लक्ष्मी के बारे में कहा गया, लक्ष्मी की तीन प्रमुख सवारियां हैं। लक्ष्मी हाथी पर बैठी हुई आती, उसका नाम गजलक्ष्मी है। कमल पर विराजमान लक्ष्मी आप देखते ही हैं, अनेकों फोटो से पूजे जाते हैं। और तीसरी जो खतरनाक है, जो सामने घोषित किया था, उन लोग पर आती है लक्ष्मी। हाथी पर आने वाले लक्ष्मी को सात्विक माना गया है, कमल पर आने वाले लक्ष्मी को राजस माना गया, और उल्लू पर आती जो लक्ष्मी जो उल्लू बनाकर जाती है वह है तामसमो तामसी लक्ष्मी। इसलिए व्यक्ति का प्रयास ही होना चाहिए हमारे पास वह लक्ष्मी आए जो स्थायी थी। स्थायी टिकने वाली लक्ष्मी तो सात्विक होती जो गजलक्ष्मी थी, और गजलक्ष्मी से भी श्रेष्ठ, त्रिगुणों से श्रेष्ठ वह लक्ष्मी है जो गारुड़ लक्ष्मी, जिन्हें महाराज ने बताया गरुड़ के संग यहाँ पर लक्ष्मी विराजमान हो रही है, वह गारुड़ लक्ष्मी है, तुरिया लक्ष्मी है, सर्वश्रेष्ठ है, मोक्षदायिनी लक्ष्मी आपके घर आई हुई है। यह आपकी परम सौभाग्य है कि आप इसे लाभ उठाएं। एक और महत्वपूर्ण बात मूर्ति में आप देखेंगे, ऊपर में नाभि से कमल से ऊपर ब्रह्मा जी हैं, स्वयं साक्षात विष्णु नारायण रूप में हाथी के विराजमान है, और निचले हाथ में साक्षात शिव। इसका जो रहस्य अनेक प्रकार के लोगों ने व्याख्यान किया है, लेकिन इसको संक्षेप या प्राण जो विष्णु पुराण ग्रंथ का अनुसार है वह मैं संकेत करना चाहूंगा। सृष्टि काल में ब्रह्मा प्रधान होते हैं, विष्णु और महादेव गौण होते हैं। स्थिति काल में विष्णु प्रधान है, ब्रह्मा और शिव गौण होते हैं। संहार काल में शिव प्रधान है, ब्रह्मा और विष्णु गौण होते हैं। और हम लोग स्थिति काल में हैं इस समय, न तो यह सृष्टि काल है न यह संहार काल है, बीच में विराजमान हम लोग हैं। अगर हम लोगों का कर्तव्य ही होता है सदा, महाभारत के श्लोक में कहा धन किसे कहोगे, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेन नहीं। महाभारत में कहते हैं धन से कुबेरा कुबेर से धन की इच्छा करो, आरोग्य भास्कर आरोग्य भगवान सूर्य से, ज्ञान शंकरा विच्छेद और ज्ञान शंकर भगवान से, मुक्ति भगवान विष्णु। क्योंकि स्थिति काल में भगवान विष्णु प्रधान, और भगवान विष्णु अपनी माया को भाग गीता में मम माया पुरस्या, ये माया आप अपनी बुद्धि की क्षमता, मन की क्षमता और अहंकार के बल पर पार करना चाहो, परमात्मा की माया का पार नहीं कर पाएंगे। परमात्मा की कृपा से, विष्णु की कृपा से आप इस संसार सागर से पार होकर जीवन में के कामूति पूर्वक नित्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। यह परम सौभाग्य आपका है जैसा वाला बोलूंगा कि वह साक्षात नारायण
दक्षिण भारत से चल करके गरुड़ पर नहीं आए, हेलीकॉप्टर में आए। आज का मॉडर्न गरुड़ हेलीकॉप्टर उस हेलीकॉप्टर से आए हैं, है? और सरकार ठीक से आए यहाँ पर, लेकिन उन्हें खुद को लाने में हमें भले वाहनों का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन आप कोई संसार से तारने की उन्हें कोई आवाहन की अपेक्षा नहीं है, आप केवल भक्ति की अपेक्षा है। आप भक्ति से समर्पण के लिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। गीता ने क्या कहा, पत्र पुष्पम फलम तोयम, और कुछ भी नहीं है तो वहीं एक लोटा रखा हुआ है, वहीं चल रही है मंदिर में व्यवस्था, वहीं से चल लो उसी लोटा से चढ़ा दो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान भक्ति के भूखे हैं और आप सब भक्त हैं, आपके हृदय में भक्ति है, इस भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित करें और अपने जीवन को कल्याण कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।